ओके मैम, तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगी और बोलना चाहूँगी आप वाकई बहुत ही खूबसूरत हैं। और मैम, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले बताइए हमें, आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सबको मेरा नमस्कार। भारत माता की जय जय जय। और मेरा नाम है विजया पंततुली माउंटेनियर। मैं माउंटेनियर थी इसलिए आगे से माउंटेनियर लगाया हुआ है। तो मैं हूँ, वैसे हिमालयास की हूँ, उत्तरकाशी उत्तराखंड की हूँ। और बेटी की जिद के चलते यहाँ पर मुंबई में आ गई। वैसे हम लोग टाटा में थे तो इधर उधर रह के अब मुंबई में बस गए हैं, बेटी मधुरिमा के चलते। ओके सो मैम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि मधुरिमा जब आपके पास आई ये कहने के लिए कि बिग बॉस के घर में वो जा रही हैं, क्योंकि हर कोई जानता है, आपने इससे पहले के सीजन्स फॉलो किए होंगे हाँ और आपने देखा ही होगा घर कैसा है, बिग बॉस का घर कैसा है। और मधुरिमा जैसे शांत स्वभाव वाली लड़की, जब उन्होंने आपके पास आकर कहा कि मैं बिग बॉस के घर जा रही हूँ, तो आपका क्या कहना था और क्या रिएक्शन था? उससे ज़्यादा मैं खुश थी कि ये जाएगी तो अच्छा है, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आदमी बहुत कुछ सीख सकता है। और मैं शायद बहुत शुरू से ही ये फॉलो कर रही हूँ, बिग बॉस को मैं बहुत पहले से ही देख रही हूँ। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा, एक कुछ सीखने के लिए। देखो, आके चुप रहना पड़ता है, कोई आके कुछ बोल जाए लेकिन चुप रहना, तो सहन शक्ति, पेशेंस, सब कुछ इसमें मिलता है आदमी को। तो मतलब आप खुश थी कि मधुरिमा हाँ, जाए? खुश थी। और मैंने ही उसको कहा कि नहीं, आप जाना चाहिए। वो फिर भी थोड़ा सा कह रही थी कि नहीं, कैसे जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, जाना चाहिए। खास तौर पे जब विशाल घर में ऑलरेडी मौजूद थे, और हर कोई जानता है कि विशाल के साथ में उनका थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है इस बारे में, तो तब भी आपको इस चीज पर भी मंजूर था कि मधुरिमा जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग एक साथ थे, तो नजबलिए में देखा ही था हमने, दोनों में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है, तो घर के अंदर भी ऐसा होगा इस बात का अंदाजा था आपको? मुझे अंदाज़ा था, उसका भाई बोला भी था कि ज़्यादा वो मत करना, अपनी दीदी को बोला था कि दीदी ज़्यादा झमेला मत करना इस बारे में, बाकी लोगों से अपना रिलेशन करना, अपना वो करना। तो इस फिर उसको जो है कि बहुत मतलब बोली कि नहीं, मुझे मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर। मैंने कहा डरने की कोई बात नहीं है, जाना चाहिए। उसको मैं ही फोर्स करके भेजी, क्योंकि हम सामने उसको नहीं वो करेंगे तो वो हमेशा ही उन लोगों का रहता है, हाँ अभी ठीक है, अभी नहीं ठीक है, अभी नहीं ठीक है। अब एटलीस्ट इतने दिन साथ रहेंगे तो एक दूसरे को अच्छा से पता चलेगा, तो हाँ तो हाँ, ना तो ना, एक साइड हो जाएंगे। इसलिए मैंने उनको ओके, भेजा। तो मतलब आप इस माइंडसेट से भेजा था कि कहीं विशाल के साथ में अगर इनकी थोड़ी जो नोकझोंक है वो खत्म हो जाए, तो कहीं इनकी सुलह हो जाए। हाँ नहीं, ऐसे कोई होने की मतलब ये कि सच्चाई पता चल जाए, एक दूसरे को कितना एक दूसरे को करते हैं ये सच्चाई पता चल जाए। और एक मतलब अगर साथ रहना है तो साथ रहेंगे, नहीं रहना है तो एकदम हो जाए। क्योंकि नजबली में तो क्या था कि शाम को घर आ जाते थे तो परिवार वाले ये सब उनके बीच में अब आ जाते हैं, बात बात हो जाती है तो वो अलग चीज़ जाती है। लेकिन यहाँ पर अकेले हैं और सब मतलब परिवार से कोई रिश्ता नहीं, समाज से कोई नहीं, जितने मेंबर्स हैं उतने से रिश्ता है। तो वो लोग भी उनको वो करेंगे कि हाँ भाई तुम लोग ऐसे इस तरह से इस रिश्ते को बना सकते हो इस तरह से। हालांकि वहाँ तो सभी फाइट कर रहे हैं तो कोई एक दूसरे को क्या समझाएगा, सब आपस में फाइट ही फाइट कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे आदमी जब एक उस जगह पे रह जाता है ना, और कोई नहीं है, समाज से कट हो जाता, तो कोई नहीं होता है, तो इस तरह का माहौल तो थोड़ा बन ही जाता है, इसमें कोई वो नहीं है। पर मुझे पता था कि लड़ाई तो होगी, लेकिन हमने कहा था कि ज़्यादा लड़ने का जरूरत नहीं है, और सच्चाई तुमको पता चल जाएगी कि तुम कितना उसको पसंद करते हो, कितना ज़्यादा वो करते हो। हालांकि वो बहुत ज़्यादा विशाल को बहुत प्यार करती है, और विशाल भी करता था, विशाल का भी ऐसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों का क्या ऐसा हुआ कि इन लोगों का आपस में ऐसे हो गया, वो ईगो, इन दोनों का ईगो। ईगो, ओके सो ये तो हम जानते ही हैं कि ईगो रिश्तों को बर्बाद कर देता है, लेकिन अब जब मधुरिमा जब घर में अंदर घुस गई है, तो क्या लगता है वो कैसे खेल रही है? अच्छा खेल रही है,
और हाँ इनकी फाइट हुई थी तो थोड़ा खराब लगा था, क्योंकि पहले पहले तो इन्होंने गेम था तो उसके टास्क मिला था तो उसके लिए फाइट किया था, तो वहाँ तक चलता था। लेकिन बाद में जो जो इनकी फाइट हुई वो थोड़ा अच्छी नहीं लगी और देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगा। मेरे को बहुत मैसेज आए कि क्यों फिर से लोग कर रहे हैं बहुत, क्योंकि जो रिलेटिव भी होते हैं वो भी देखते तो उनको भी खराब लगता है, कि वो भी प्यार करते हैं तो खराब लगता है, और विशाल को भी सब प्यार करते हैं, सब सबको बहुत पसंद है वो, तो इसीलिए सबको खराब लगा कि क्यों ये लोग फिर से फाइट कर रहे हैं। तो लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि इन लोगों को अपना बिजनेस का रिश्ता रखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को बुलाएंगे ही लोग, इतनी प्यारी जोड़ी है, इतना सुंदर डांस, शायद इतना खूबसूरत डांस करते हैं कि इनको तो बिल्कुल। लोग बुलाएंगे, तो आपस में बिजनेस, क्योंकि इनका क्षेत्र कार्य क्षेत्र यही है, इसी से इनको कमाना है, और जो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, तो जो इनका कार्य क्षेत्र है उसमें जुड़ के आपस में इनको काम करना चाहिए, कमाओ दूसरे की भी मदद करो, गरीबों की भी मदद करो, इस सब में अपना ध्यान लगाना चाहिए। विशाल, मधुरिमा के घर के अंदर जाने के बाद विशाल का ये स्टेटमेंट आना कि तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आ गए जब तुम जानती थी कि मैं ऑलरेडी घर के अंदर हूँ तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था, कितना मानती है इस बहुत स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बिग बॉस का जो घर है वो सबका घर है, किसी एक का घर नहीं है वो, कोई एक नहीं है कि आप गए तो आप, मतलब आप बिग बॉस के मालिक हो क्या? जो इस तरह से आप यूज़ करते हो उसकी मर्जी है। गई वो को? मुझे बोली थी मम्मी ऐसे हो, मैंने कहा नहीं, यही तो अवसर है अपने को दिखाने का कि मैं आ सकती हूँ, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, जाना चाहिए उसका। इतने लोगों के सामने बोलना, मतलब उसके क्या बोलना चाहिए, जो एटीट्यूड को दिखाता है कि कितना उसको अपने अंदर वो है कि दूसरा वो ना करे, उसके अनुसार चले, तो ये थोड़ा गलत है, जबकि हम लोग उसको इतना सब बहुत प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी जब ये बोला उसने, पहले तो जो अंदर गया वो बिग बॉस के अंदर गया, और जो उसने बॉम्बे टाइम्स में जो स्टेटमेंट दिया उससे ही मुझे खराब लग गया था, कि जब आप अंदर जा रहे हो तो बाहर किसी के लिए इतना ये सब बोलने की क्या जरूरत है, क्योंकि आप तो सामने हो ही नहीं, दूसरा क्या बोलेगा, आप तो अंदर हो। तो बिग बॉस के अंदर जाने के बाद ही उसने बहुत बड़ा खराब वो दिया था, इंटरव्यू दिया था, तो वो भी एक खराब बात है कि आप बाहर जाते जाते वैसे इंटरव्यू दे रहे हो, फिर अंदर भी बोल रहे हो आपकी क्यों आई, क्यों नहीं जाएगी किसका, वो मधुरिमा ने उसका तो जवाब दे ही दिया था अच्छा से, आप भले ही टास्क में दिया। बिल्कुल बिल्कुल। विशाल अभी फिलहाल में घर के टारगेट बने हुए हैं, क्या लगता है विशाल वैसे ही है या फिर कुछ अलग लोग उनको समझ रहे हैं बन नहीं, वो के? एक्चुअली विशाल पहले तक तो बहुत ही अच्छा था और अपना टास्क भी बहुत अच्छा से कर रहा था वो, पर उसका जो ये है ना तरीका कि इसके साथ भी अच्छा बनाना है, उसके साथ भी अच्छा बनाना है, तो ये संभव नहीं है। हमको जैसे जज है, जज को माना चार लोग अच्छे लगते हैं लेकिन जिताना एक कोई है, जिताना तो एक को ही पड़ेगा ना, तो वो सोचे जज सोचेगा नहीं ये तो तीनों का दिल दुख जाएगा मैं, लेकिन यही गेम भी है, अगर आप कि हाँ अरे मुझे नॉमिनेट ना करें मुझे, तो इसके लिए आप अगर सबसे बना के रखते हो तो फिर क्या आप किसको नॉमिनेट करोगे, फिर किसी को तो आप, कोई तो आप किसी को, आपको भी नॉमिनेट करना है तो आपको अपना व्यवहार देखना होगा कि क्या है, तो इस तो उसका व्यवहार थोड़ा वो है, मतलब अपने को थोड़ा एटीट्यूड दिखाना, लड़कियों को उसने हर लड़की को बोला है एटीट्यूड मत दिखा जब, तो ये गलत है लड़कियों किसी, हालांकि आजकल जो चलता है कि लड़का लड़की बराबर है लड़का, लेकिन नहीं हो सकता है, लड़का लड़की बराबर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि लड़कियों को थोड़ा फिजिकली भी इतनी फिट नहीं होती, फिजिकली भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि बराबर हो, तो और इसलिए लड़कियों को भी थोड़ा सा जैसे अगर हम बार बार बराबर बराबर न करें तो शायद इतनी लड़ाइयाँ ना हो, ये सही बात है कि जब बहुत ज़्यादा समाज में हो गया बराबर बराबर है तो हम दोनों फाइट करते हैं, तो ये परिणाम आता है फिर। ओके, सो जैसे कि आपने कहा कि घर के अंदर मधुरिमा को भेजने का मकसद था कि असलियत पता चल जाएगी कि आप कितना मानती हैं, वो कितना मानता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों के झगड़े के बीच में पूरे घर वाले वहां मौजूद होते हैं, और पारस ने हमेशा यही कहा है कि मतलब अगर इन दोनों का झगड़ा है तो इन्हें अकेला छोड़ के और इन्हें अपने आप में बात करने दें, हाँ तो लगता है कि वहां भी उन्हें अपना चीज जो है, जो इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व करने का मौका नहीं मिल पा रहा। नहीं, अकेले तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, बल्कि मैं सबके बीच में ही है, सबके बीच में जो है वो ठीक है, जैसे सना ने बोला था इनको जेल में भेज दो ये दोनों को अपना वो, लेकिन नहीं वो सब ठीक नहीं है, क्योंकि वैसे ही वो अकेले है, अकेले में रहने से कोई वो नहीं होगा, कोई समस्या सॉल्व होगी तो जो
साथ में उन्हीं के सामने सॉल्व होगी, अकेले क्या करेंगे वो लोग, अकेले नहीं बिहेव करना है। घर के अंदर जाने के बाद बीच में थोड़ी सी थोड़ी बहुत नोकझोंक और नज़दीकियाँ दोनों में बढ़ने लगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं पारस जिन्होंने सीक्रेट रूम से सब देखा था और घर के आने अंदर आने के बाद में उन्होंने जो कहा, क्या लगता है उनको वो कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, और वो कितने सही थे अपने जगह पे? एक्चुअली उन्होंने उससे पहले मुझे पारस को तो ज़्यादा वो भी नहीं करती थी, लेकिन उन लोगों ने जो भी देखा अंदर वो सही देखा। हालांकि जहाँ तक बोलने का बात है मेरा, अब ये जो है बिग बॉस, ये इसी तरह का है कि सबके सामने बोलना, सब सच्चाई सामने लाना। तो वो तो सलमान जी भी पहले बोले कि भाई ये ऐसा है कि बिग बॉस के अंदर जो होता है फिर बाहर जाके सब नॉर्मल हो जाते हैं, तो वो क्योंकि गेम का पार्ट है और ऐसे उनको बोलना था तो उन्होंने बोला। तो तब से मैं उन्होंने सही आकलन किया सबका, सिद्धार्थ और इसने पारस ने बिल्कुल सही आकलन किया और वहाँ पर बोले हैं वहाँ नहीं बोलना चाहिए, वो बाद में भी समझा सकते हैं, लेकिन फिर हमको कैसे पता चलता, बाकी लोग कैसे पता चलता, तो एक तरह से उन्होंने सही किया है। सही किया है, हाँ। ओके सर, इसके अलावा मधुरिमा के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो जैसी है वैसी ही घर के अंदर है या फिर कुछ? हाँ वैसी है, थोड़ा बहुत तो वो भी है, वो उदास हो जाती है बीच बीच में, बहुत ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा बात नहीं करती, वो उसका नेचर भी है कि ज़्यादा बातें नहीं करती हो, ज़्यादा उठती, फिर भी इसमें काफ़ी अच्छा वो है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए, बच्चों इस उम्र में भी आदमी सीख सकता है क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो इस उम्र में भी आदमी सीख सकता है। तो वो थोड़ा शांत है, तो अभी थोड़ा सा वो खुल के रह रही है और मेरे ख्याल से स्ट्रांग भी बनती जा रही है। कामिया पंजाबी घर के अंदर गई थी जहाँ उन्होंने मधुरिमा को कुछ कहा है, तो आप बताइए कामिया पंजाबी के इस स्टेटमेंट पर कितना मानती हैं? हाँ, मुझे बुरा बहुत लगा। हालांकि कामिया पंजाबी ने जो बोला है वो एक बहुत समाज में बहुत सारे लोग सचेत हो जाएंगे कि हाँ हमको शब्द ऐसे नहीं यूज़ करनी चाहिए जो कि दूसरों को हर्ट करे। वो तो मैं वो देखते ही जब मैंने भी देखा था तभी मेरे को ही वो एकदम से वो लगा था, क्या रहेगी तो वो, लेकिन शायद उसके मुंह से उस समय निकल गया क्योंकि वो इस टाइप की है नहीं। अभी मैं आपको बताऊं कि बीच की एक बात बताती हूँ, लोखंडवाला में एक जो यही मतलब जो उन्होंने नाम यूज़ किया यही उसको मिली, बाहर उसकी कार को बहुत रो रो के बहुत रोई कि मुझे 5,000 रुपया चाहिए, कैसे भी मुझे आप 5,000 रुपया दे दो। तो ये मेरी बेटी आज से शायद ये 7 साल पहले की बात है। तो ये बहुत दयालु है, मेरे दोनों ही बच्चे ऐसे दयालु है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि स्कूल में जैसे आते थे छोटे छोटे से तो कोई जैसे बैठे रहते थे खाने के लिए, नहीं घर आके पहले उनके लिए उनको खाना देना, फिर ऐसे बच्चे। तो वो मुझे भी लगा कि इसने कैसे बोल दिया, मतलब मेरे समय पर आदमी के मुँह से शायद निकल जाता है। तो वो उसको लेके गई गाड़ी में बिठा के बैंक गई और पैसा निकाल के दिया। जब घर आके मुझे बताई मैं शॉक्ड हो गई, ये क्या, अगर वो कुछ कर देते कुछ भी कोई कर कुछ हो जाता तो क्या होता। मैं बहुत घबरा गई, मैंने कहा यार तूने मधुरिमा कभी ऐसे मत करना, रीमा हम उसको बोलते घर में, रीमा कभी ऐसे मत करना, ऐसा गलत काम बिल्कुल मत करना कि किसी को अपनी कार में बिठा के और तुम ATM जाओ पैसा निकालो उनको दो। तो वो इस टाइप की लड़की है, सोचो जो इस टाइप का काम कर सकती है, ऐसे वो दे सकती है कि उसके रोने से उसने उसको 5,000 रुपया तुरंत निकाल के दे दिया। तो वो शायद उसके मुंह से गलती से निकल गया। और कामिया पंजाबी में हालांकि उनका वो टास्क होगा उस तरह से बोलना है उनको, लेकिन उनके बोलने से भारत में जाने कितने लोग होंगे जिनको सबक मिलेगा कि हाँ हमको शब्द बहुत सोच समझ के बोलने चाहिए, किसी को दुख देने वाले शब्द नहीं बोलने चाहिए। बस मैं इतना, मतलब आप मानती हैं कि वहाँ मधुरिमा गलत थी? हाँ, बोल नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा क्या लगता है मधुरिमा अपने आप को उतना ज़्यादा बता पा रही है? यू नो बिग बॉस का घर है जहाँ पे लोगों को अपने आप पर काम करना पड़ता है और लोगों को दिखाना पड़ता है कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, हाँ। तो मधुरिमा उस चीज़ पर खड़ी होती हैं क्योंकि अभी वो इस हफ्ते नॉमिनेटेड भी हैं? तो हाँ नॉमिनेटेड है, लेकिन मतलब यह है कि उसने एक हफ्ते में ही बहुत बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत अच्छा कर रही है। और अगर शायद शुरू शुरू से होती तो ये भी बहुत मतलब सहराज के साथ होती, सहराज के जैसे होती, क्योंकि वो दोनों ही मुझे एक जैसी लग रही हैं, तो शायद उसके साथ ही होती। लेकिन बहुत देर से एक हफ्ता कुछ भी नहीं होता है, तो अब वो आगे बढ़ रही है, आगे अपना खेल उसको थोड़ा समझ में आ रहा है।
रश्मि को लेकर जो विशाल ने कमेंट किया था वीडियो को लेकर कि बहुत ही ज्यादा नजदीकियां हैं या जो भी है उन्होंने कहा था, इस चीज को गलत मानती हैं कि किसी लड़की के बारे में विशाल को ऐसा नहीं कहना चाहिए था? एक्चुअली क्या है कि उसने शायद उस ढंग से कहा कि मतलब बहुत सुंदर ढंग से वो है, वो गलत सब गलत हो जाता है, कभी कभी उसका मीनिंग गलत समझ में आ जाता है, तो उसने इस ढंग से कहा होगा। लेकिन अगर उसने गलत ढंग से कहा है तब गलत है, तब किसी लड़की के लिए कहना इस तरह से, वो जैसे बैंक बैलेंस के लिए अरहान ने कहा, वो बहुत गलत था। आप दूसरे के पास अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो कि ये ऐसे हो गया था, वो गलत है। अब इसने भी किस ढंग से कहा, इसका पर्पज़ क्या था कहने का, अगर उसने ऐसे कहा कि हर एक कितनी क्लोज है, तो उसने भी तो माहिरा के साथ वैसे ही किया है, उनका भी बहुत वैसे ही, क्या दौड़ रहे भाग रहे, तो हम खुद वही कर रहे हैं तो दूसरे के लिए कैसे बोल सकते हैं। पारस का ये स्टेटमेंट कि विशाल लड़कियों में चिपकते हैं गलत इंटेंशन के साथ में, ये मानती हैं आप विशाल को नहीं, जैसे आप उसकी पहले से जानते हैं उसकी उनको? हाँ उसका वो गलत नहीं होता है, लेकिन इतना चिपकना नहीं चाहिए। जैसे हर गे को जाके हक कर रहे, उठा रहे, अरे क्या मतलब इतना भी क्या करना है, जबकि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो आ चुकी है उसमें, फिर भी वो माहिरा को गले लगा रहे, गले लगा। माहिरा भी देखो पहले तक विश्वास से चिपक रही थी, अब पारस के आते वो बिल्कुल उससे वो गई। तो ये भी मतलब दूसरे को जलाने वाला काम करना तो वो अच्छा नहीं है, तो मैं भी अच्छा नहीं समझती हूँ कि इतना आप उससे, एक डिग्निटी होनी चाहिए। जब इन लोगों का रिलेशन थोड़ा सुधरने लग गया तब हमने देखा कि मायरा की वजह से मधुरिमा थोड़ी सी नाराज सी हो गई। क्या लगता है कहीं ना कहीं प्यार की वजह से वो जेलसी फैक्टर बिल्कुल आ बिल्कुल, गया? और वो हर लड़की की वीकनेस होती है, कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो होगी, चाहे कि वो अपने बॉयफ्रेंड को दूसरों से चिपकने दे या दूसरे से ज़्यादा बात करने दे, वो उठ के जाओ अपनी उसको छोड़ दो, तो नहीं। इसके लिए त्याग समर्पण बहुत जरूरी है, आदर देना, रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। पूरी फैमिली मिलकर क्या चाहती है कि विशाल और मधुरिमा एक हो जाए? देखो क्योंकि अभी तो इन लोगों की इतना ज़्यादा हो चुका है कि पता नहीं बाद में भी ठीक से रहे। वैसे तो हमारे हमारे हिंदू का क्या है, हमारे उसमें भारत में, कि पूरे ही भारत का हमारा है कि अगर लड़की सगाई कर ले तो फिर वो प्रेम में अपने आप ही पति के साथ हो जाती है, तो वैसे अगर ऐसे होता है तो अच्छी बात है, पर हम वही चाहेंगे जो मधुरिमा चाहती है, हमारा हमारे चाहने से कुछ नहीं। और इतनी लड़ाई हो तो वो तो मेरे ख्याल से मैं भी नहीं चाहूँगी। तो हाँ एक लास्ट मैसेज मधुरिमा के लिए क्या देना चाहती हैं? मधुरिमा को मैं यही कहूँगी कि अगर उस तक पहुँचती है मेरी बात, कि स्ट्रांग रहो और अपना खेल खेलो, बाकी सबसे भी मेल मिलाप रखो, क्योंकि कमजोरियां हर इंसान के अंदर होती है, दूसरों में भी कमजोरी है तो आप में भी कमजोरी है, तो उसका कोई बात नहीं है, क्योंकि है सब हम इंसान ही, वो भी आप लोग आपके जैसे बच्चे हैं, तो बहुत प्यार से रहो। और मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर वो आगे बढ़ती है तो आप उसको वोट जरूर दीजिए, क्योंकि वो अभी 1 वीक से ही वहाँ, उसको अभी सिर्फ 10-12 ही दिन वहाँ पर हुए हैं, तो शायद घबराती भी होगी। तो मैं एक आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगी कि उसको वोट जरूर कीजिए, उसको सपोर्ट जरूर कीजिए। मायरा उनको कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट कर रही है क्योंकि हमने देखा मायरा के साथ में कांस्टेंट उनकी लड़ाई हो रही है और मायरा उनको समझ नहीं रही है। तो क्या लग रहा है मायरा उनको सॉफ्ट टारगेट कर रही है क्योंकि विशाल उनके बॉयफ्रेंड है इस वजह से? अब तो है ही नहीं विशाल उसके बॉयफ्रेंड, विशाल बॉयफ्रेंड तो था वो पहले, अकेली पड़ गई थी तो उसके साथ थी वो, वैसे विशाल उसका बॉयफ्रेंड है ही नहीं। और हाँ वो कर रही है, वो जानबूझ के चिढ़ाने के लिए वो कर रही थी, तो जो वो माहिरा सना ने भी उसको समझाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, और तुम क्यों ऐसा करते हो, जब मधुरिमा को परेशानी होती है तो तुम मत करो, तो ये तो सना भी समझा चुकी है उसको सबके साथ। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट सबको, बच्चों को। थैंक यू।